तो लेट्स कम टू 10th स्टैंडर्ड हिंदी 11th चैप्टर समय की पहचान। तो इसे लिखा है सीआर राम शरण गुप्ता जी ने। तो चलिए पहला पैरा की ओर चलते हैं। उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिलता है, समय नष्ट कर कहीं शोक के कोई भी पाता। इस पोएम में वो कह रहे हैं कि आपको समय का नष्ट नहीं करना चाहिए। उद्योगी मीन्स जो काम करते हैं वो कभी भी समय नहीं नष्ट करते। तो वह कभी समय को नष्ट नहीं करते। जो समय को नष्ट करता है उसको कभी सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पहला पैरा करते हैं, चले दूसरे पैरा की ओर चलते हैं। आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्यों जाने। तो दूसरे पैर में कवि कह रहे हैं कि तुम समय क्यों नष्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें आलस होता है। व्यर्थ करने का मुख्य कारण आलस है। आलस का मतलब है तुम कन्नड़ में कहते हैं सोमबेरी लेजी, हिंदी में आलस बोलते हैं। तो आलस क्योंकि तुम्हें को काम नहीं करना लगता है, यही कारण है कि तुम उस काम को नहीं किया, समय व्यर्थ करते हो। ये भी कहते हैं कि तुम्हें जो काम करना है उसे अभी करो, एक कल करेंगे ऐसा मत करो। अगर ऐसा चुनोगे किसे पता कल क्या होगा, इसलिए आज ही कर दो जो भी काम करना है, कल के बारे में भूल जाओ। तो चले तीसरा पैरा पे चलते हैं। पा सकते फिर नहीं कभी इसको खोगे, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। तो अगर तुमने एक बार समय को नष्ट कर दिया तो उसे फिर से पा नहीं सकते। कवि यहाँ पर कह रहे हैं हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, चाहे तुम चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती राजा पे क्यों ना हो, वो कोई भी समय व्यर्थ कर नहीं सकता। व्यर्थ करने से उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो यह तीसरे पैरा का आशय है। चलिए चौथे पैरा की ओर चलते हैं। कर सकता कब कौन ध्रुवी है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं चरा है इसकी चिंता। मतलब तुम लोग समय की महत्व को नहीं देख रहे हो, तुम लोग समय कितना महत्वपूर्ण है ये कभी नहीं देख रहे हो। तुम इसकी समय को व्यर्थ किया तो क्या होगा ये चिंता नहीं कर रहे हो। तुम्हें फिर भी जरा भी चिंता नहीं है समय को व्यर्थ करने से क्या होगा इसकी चिंता नहीं है। तुम लोग कभी कभी समय फिर भी व्यर्थ कर लेते हो, तुम लोग इसकी ताकत और इसकी महत्वपूर्णता क्या है जीवन में ये समझ नहीं रहे हो। और चलते हैं। समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय है आहो तुम्हारे शुभ जीवन है। तो समय को भगवान ने कवि कह रहे हैं इस पैरा में कवि कह रहे हैं कि समय भगवान ने मनुष्य को दिया हुआ एक अनमोल रत्न है या धन है। समय ही बताएगा तुम्हारे जीवन में शुभ होगा या अशुभ, यही दिखाएगा तुम्हारे समय को किस तरह उपयोग करते हो और किस तरह उससे लाभ पाते हो, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे जीवन में अशुभ है या शुभ है। तो यहाँ फिफ्थ पैरा में बोल रहे हैं। चलिए सिक्स्थ पैरा की ओर चलते हैं। कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, फल पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तो तुम कभी नहीं सोचते कि तुम लोग सोच लेते हो कि अरे यार एक पल में मतलब एक मिनट में क्या हो जाता है,
एक पल में क्या हो जाता है, मगर जीवन पल पल से मतलब एक एक मिनट से ही बना है आपका जीवन। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और कभी इस पोएम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही है, समय की पहचान करवा रहे हैं आपको। तो ये है सिक्स्थ पैरा। चले सेवन पैरा की ओर चलते हैं। करना है जो काम उसी में चिंत लगा दो, आत्म पर विश्वास करो संदेह भाग दो। तो तुम्हें जो भी काम करना है उसी पे तुम अपनी सारी क्षमता चिंता लगा दो, क्षमता लगा दो, पूरा प्रयत्न कर दो। तुम्हें अपने आत्मा पर विश्वास होना चाहिए और संदेह मतलब कभी कभी तुम लोगों को संदेह होता है, अरे यार ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो इसका चिंता तुम लोग मत करो। बिना चिंता किए उस काम को तुम कर दो। तो चलिए एट पर ऊपर चलते हैं। ऐसे सुसमय भला और कब तुम पाओगे, कुकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो तुम इतना अच्छा समय फिर कब पाओगे अपने जीवन में? अगर आप लोग समय को खो देंगे तो उसे फिर से नहीं पा सकते हो। तो समय को खोने के बाद अरे बाद में पछताओगे, अरे यार मुझे मेरे पास इतना समय था, मैंने काम नहीं किया, कुछ भी पछता हुए जो काम तुमने करना था, अगर वो तुमने जिस समय में जो समय तुम्हें मिला है उसे व्यक्त करोगे तो उसके बाद फिर से पछताओगे, अरे यार मैंने वो काम नहीं किया, ऐसा पछताओगे। तो इसलिए कवि इस पद्य में कह रहे हैं कि आपको समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोकना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और पसंद और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।